हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज की सुबह हम लोग सुबह के 5 बज रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं गंगा जी के दर्शन की, क्योंकि आज है गंगा दशहरा। तो मम्मी पापा और हमारी सासू माँ जी निकल चुके हैं कार से और हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से। छोटा बड़ा उस्ताद भी मेरे साथ है, तबला उस्ताद। क्या? एक लाइट जलने दो, ये जलने दो। कौन सा? हाँ ये जलने दो, छोड़। सब निकल रहे हैं लोग, लगी है ना गाड़ी की चाबी, स्कूटी की चाबी। सो गाइस, ड्राइवर हूँ मैं तो मुझे चलाना पड़ेगा। तो अब कैमरा संभालेगा हमारा बड़ा उस्ताद। सब लोग गंगा के तरफ निकल चुके हैं। तो गाइस, ये है हमारा प्रयागराज और इस समय हम क्रॉस कर चुके हैं सुभाष चौराहा। यहाँ से हार्डली 2-2.5 किलोमीटर है संगम जहाँ हम जा रहे हैं आज। जाएंगे गाइस, मेले में पहुंच गए हम। मेला क्या है, स्नान करने आए हैं और मेला भी एक तरह से। तो फैमिली के कुछ मेंबर्स अलग हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग 3 अलग हैं और वो लोग 3-4 लोग अलग हैं। मिलेंगे नहीं तो नहा के चल देंगे, घर में मिलेंगे, घर में मिलेंगे भाई। सो गाइस, तलाश जारी है उनकी। ये बीच में है छोटी गंगा। ये छोटी गंगा। सो गाइस, खड़े हैं इस समय घाट पे और अब तैयारी कर रहे हैं हम लोग नहाने की। चलो सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अब, और अब रीना और मैं जाऊंगा। सो गाइस, मैडम कर रही हैं गंगा जी की आरती। सो गाइस, हम लोगों का स्नान तो हो गया यहाँ से और काफ़ी ढूंढा मम्मी पापा को, लेकिन नहीं मिले। आप घर में ही मिलेंगे उनसे, या कोशिश किया जाएगा कि हनुमान जी के मंदिर से वहाँ पे मिला जाए, कनेक्ट होने की कोशिश की जाएगी फिर से। सो गाइस, अभी निकल रहे हैं। मैं यूट्यूब पे, क्या नाम? सुनील पांडे ब्लॉग्स। तो गाइस, अब निकलेंगे यहाँ से क्योंकि हो गया है सुबह के 6:30 और जाएंगे अब हनुमान जी के दर्शन करने, वहाँ से फिर प्लानिंग आगे की बनेगी। मैडम सिखा रही है नीचे देख के चलिए, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो वहीं बच्चों ने लैटरिंग किया हुआ है, वो पैर में लग गया था मेरे। आपके भी लगा था है? तो गाइस, हम लोग ये छोटी गंगा पार करके आए थे, अब इसी छोटी गंगा को पार करके उस पार जाना है हमें। तो कुछ लोग गाड़ियों को भी लेके आ रहे हैं स्नान कराने के लिए, आदमी खड़े होने की जगह नहीं है, गाड़ी लेके गुजर रहे हैं लोग। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बड़े हनुमान जी के मेन दरबार पे और अब इतनी भीड़ है यहाँ कि हम लोगों को थोड़ा इधर उधर घूम फिर के जाना पड़ेगा, तो थोड़ा उल्टा सा दिमाग लगा रहे हैं। तो गाइस, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, प्रसाद ले लिया हमने। तो गाइस, दर्शन करके निकल चुके हैं हम लोग और मुश्किल से 5 मिनट लगा, अब जा रहे हैं यहाँ दिया जलाने के लिए। इतना लंबा। तो गाइस, अब निकल रहे हैं बाहर हम लोग। हाँ, ये हुई ना बात। जय श्री राम, बोलो बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। लो अम्मा हमारे भी बना दो। सही है पापा, सही है, बनाइए आज।
राम के रंग में रंग जाना है। बस क्या बात है, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो गाइस गंगा किनारे ये आलू चाट मिलता है, तो हम लोगों ने आलू चाट ले लिया है और साथ में लिया है दो चार समोसे। तो मुझे बहुत पसंद है, जब भी आता हूँ मैं खाता हूँ यहाँ से। राम कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और पीछे पीछे मम्मी पापा भी आ गए हैं गाड़ी से। पूरे मेले में हम लोग मिल नहीं पाए। मजा आया घूमे? सो गाइस इस धूप में हम आए हैं खुसरू बाग प्रयागराज में, बहुत बढ़िया जगह है। कुछ पौधे मुझे यहाँ से लेके जाने थे, तो काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने बोला चलो आज लेके ही आएंगे। बहुत बढ़िया यहाँ पे अच्छे अच्छे किले हैं, आप जो ये देख रहे हैं इसके पीछे और भी दो तीन किले हैं, बड़े बड़े हैं। हम लोग घूम के गए हैं बट आज उतना टाइम नहीं है कि वहाँ जाएँ। गाइस ये है नर्सरी अंदर का। अब इसमें एक तो यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ सस्ते पौधे मिलते हैं, तो जो आपको पसंद आए जाके आप लीजिए। यहाँ दिख बहुत सारे रहे, बहुत सारों में फिर वही गड़बड़ हो जाती है कि क्या लें क्या ना लें। सो गाइस जो पौधे मैंने लिए थे वो पौधे मैंने इन दो गमलों में लगाए हैं। अभी चार पौधे और बचे हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, इनको भी दूसरे गमले खाली करेंगे उसमें लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पौधे थे जिसमें कांटेदार पौधे लग गए थे। दिखने में अच्छे लग रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कांटे थे जिसको हम लगा नहीं सकते थे। उसमें से मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, एक मैंने यहाँ निकाल के फेंका है, ये देखिए। तो ये पौधे से पौधे बनते हैं, इसमें इतने सारे निकलते हैं कि आप जितना चाहे उतना गमले लगा सकते हैं, बट सारे कांटेदार हैं जिसको हम लगा नहीं सकते हैं घरों में। और वैसे वास्तु के हिसाब से घर के अंदर और आपके कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। और ये जो पौधे हम लगा रहे हैं ये सब जाएंगे स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे और प्लस फर्स्ट फ्लोर है जो वहाँ पे। तो गाइज अब ब्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड। काफ़ी हमने एंजॉय किया इस ब्लॉग को बनाने में, मेहनत भी की है, होप आपको भी ये मेहनत और जो हमने एंजॉय किया वो मज़ा आएगा देखकर। तो गाइज चैनल पे बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,